राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम बाजी ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर इसकी औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बारे में मांझी ने कहा कि बैठकर वह बातचीत करेंगे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वह सबके सामने होगा। फिलहाल अभी सीटों के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुई है। हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां पर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से जेडीयू का दामन थाम लिया है। पटना से निषेध ठाकुर की रिपोर्ट। सीट का बोलिएगा, हम सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा कोई बात ही नहीं है सीट का, कि क्या करेंगे क्या ना होगा, वापस में बैठ करके हम लोग इसको तय कर लेंगे और यथासंभव ही वो तय हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग इसके लिए हमको अधिकृत किया, आज भी है, हमारे कार्यकर्ता सभी अनुशासित हैं और जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करके जिस गठबंधन के साथ हम लोग आज फैसला ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ, उसको जिताने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता समस्त बिहार में प्राणपण से लगेंगे और राज्य हित में बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। यही कहने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाएंगे। दिनों से हमारा राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था महागठबंधन में रह, हम जब समन्वय समिति की बात किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात किया और उसमें 3-4 महीना राजद को दिया, फिर 2-3 महीना कांग्रेस को ही दिया, उनका शासन था कि हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन एक कहना चाहते हैं हम कि बचपन से इस अभियान पर चलने का हम मन बनाया है, उसी के अनुसार चलते रहे हैं और जब अंत देखा कि अब ये लोग महागठबंधन के लोग समन्वय समिति के पक्ष में नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में हमने देखा कि गत महीना में 20 तारीख को हम महागठबंधन से अलग होने का इरादा कर लिया, फैसला कर लिया। अब उसके बाद आप लोगों की जिज्ञासा रहती थी, सब लोग पूछते थे कि अगला कदम क्या होगा, तो हम प्रायः कहते थे कि जल्दीबाजी में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, 2-4-10 दिन में हम निर्णय लेंगे। और आपने देखा कि ऐसे तो हम 3 तारीख को बोले थे कि 3 तारीख को कुछ करेंगे, लेकिन आज हम नहीं आई है, हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी महा एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा स्वाभाविक कि क्या है सर, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज़ जायज होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर करके सीटों का जहाँ तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया।
ये अलग बात है, किन कारणों से हम हटे या हटाए गए तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से सम्मान मिला है उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, और इसीलिए मर्जर न करके उनमें पार्टी में विलय नहीं करके एक अलग पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहने का हमने फैसला लिया है, और बिना शर्त के फैसला है, यही आज आप लोगों से हम कहना चाहते हैं। देखिए, कोई भी काम जब होता है तो विचार उपरांत होता है, और विचार अपना उसी दिन मन बना लिया, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हम कार्यकर्ताओं का मन को टटोला, नेताओं का मन को टटोला, टटोलते टटोलते आज निष्कर्ष पर हम लोग आए हैं कि हमारे यहाँ 99% कार्यकर्ता हैं, रखा हुआ गया भैया, लोगों रखा हुआ है, इसमें विलम्ब हुआ, ये नहीं कि कोई मोल तो हो रहा था, सो बात नहीं। सर, बिहार की राजनीति में जहर का जिक्र बार बार है, क्या आपने भी जहर पिया है? देखिए, जहर पीने का कोई सवाल नहीं, जो जिनके लिए जहर कहीं पर हो तो हो सकता है, हम सदा अमृत पिया है, और इस साथ में मैंने जदयू के साथ रह करके और एनडीए के साथ चलने के लिए उस समझिए कि हम लोग का अमृत का घूट होगा वो। सर, आपको नहीं लगता जहां फायदा लगातार सिलसिला कई एक बार के ये सब बेतुकी बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है, वो कृपा तो राजद की थी ना, कृपा के लिए राजद का आरोप है सीधे तो भाई, इसी बात को भी हम लोग समझिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया, अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो तो डिजर्व करता है, और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंतरी जी बैठे हुए हैं, हितानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए, और ठीक है हम तो थे एनडीए में ही, हर सब तरह से प्रतिष्ठा थी, प्रधानमंत्री बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे, अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम थर्ड फ्रंट पर बैठे हुए थे, वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया जो 24 करोड़ में था अब 300 करोड़ में होने जा रहा है, हमने उसको किया, देखिए जीतन मांझी बैठे हुए हैं उन्हीं का राज का, सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है, तो कहने का मेरा मतलब हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत मैंने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो, लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है, इसलिए वहाँ गए, और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया कोई दया उन्होंने नहीं की, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ईयर में उन लोगों ने बनाया, यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। करप्शन वाली चीज़